ये जुतियां नहीं है तो एक फायदा हो गया ना कि जुतियां ऐसे ऐसी रातों रात फटे तैयार करवा लेने नहीं गए अपनी शॉप वास्ते। अपना जी भी गर्म हो गया है कपड़े के साथ, चलो हम समस्या ही डाल लेने आगे क्योंकि अभी तक ना तो काफी देर हो गया मैं बनाया कोई नहीं, मैं नहीं पता नहीं मेरे को बनन गई। तो हूँ जी फिर समान जहाँ कुंजन लगे आगे डब्बिया के बेच नूर जेड़ी नूर जेड़ी ये चीज़ा पसंद वापस कर। अच्छा 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 दूसरी ओ पेशावरी चप्पल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल चाल ने सारे देखने वाले तमाम भैन भाइयों के, असं उम्मीद करने कि सारे देखने वाले तमाम भैन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होवे। तो अलहमदुलिल्लाह जी असं बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। तो अपना जी आला व्लॉग बड़ा इंटरस्टिंग होने वाला, असं मुकम्मल वाच करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ तुम थले लाल कलर का सबसक्राइब का बटन नज़र आ रहा होना, एक दबा के नाल छोटा जहा बैल आइकन का बटन होना उन्हें दबा के आलते कर लोग साढ़े आने वाले जो व्लॉग ने बसानी थोड़े तक पहुँच सकन। तो अज ही सुबह मैं उठे ही काम काज काफ़ी कर लेने के, लेकिन व्लॉग बनाव का टाइम ही लगे है क्योंकि अबू जान की थोड़ी तबीयत खराब सी, उदा ही मैंने परेशानी बन गई, उन्होंने बुखार है अभी तक रेस्ट ही कर रहे हैं। अज असी ये सब्जी वाली शॉप है तो समान लवन जाना सी, लेकिन उधर भी नहीं जाएगा क्योंकि अबू जान तबीयत खराब आई। लेकिन पहले वाले जहाँ समान पे है फटे तो करता है, यह फट्टा खाली कर लेंगे तो इन्हें चिप्स रोल समोसिया वगैरह जेना कट के रखांगे। तो सुबह तू वेखांगे अगर सुबह साढ़े को नहीं मंडी जाया जाता, बल्कि हर हालत जाना है अबू जान की अगर तबीयत बेहतर होगी ना कुछ तो लाजमी जावे जाके समान ले आवे। अगर नहीं जाया जाता तो वैसे ना मैं फट्टा जो इतने सैटअप किया हो, जिमें कपड़े वगैरह साढ़े को पे ने सारिया चीज़ा इतने सैटअप किया हो बड़ा जबरदस्त हो। तो अज ही इन्होंने सारी चीज़ों इतने पिछे रखा सगा क्योंकि इतने छां होंगी थोड़ी बहुत ही, इतने अगे ना छां नहीं होंगी, लेकिन अगर इतने अगर चीज़ा पाइं ज़्यादा जेना फोकस होंगे जे लंघन टप्पण वाले जो गाहक आंदा है ना दूरों दूरों तक नज़र आदि नहीं है। इधरों भी कोई आ रहा हो या इधरों गली के कोई आ रहा हो तो पानी जेना वो नहीं छिड़किया है क्योंकि गट्टा मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है जो फट्टे के उत्ते नहीं गए, फट्टे सारे वाश करते नहीं गए। तो इतने जाना आप तलाई वगैरह करा, अम्मी जान जो अंदर काम ही लगी हुई ने। ते अम्मी जान जी कोल ना आलू छिल के इन्हों का मसाला बनावन लगी नहीं है, तो नाल जो ना चिप्स के भी आलू हाली तक कड़ने नहीं गए, पकौड़ों वास्ते मसाला बनाना है। तो यह जी बन रहा समोसों वास्ते, अज असी घर च समोसे तैयार करने नहीं गए, घर का जरा ना मैदा होगा मैदा और ला के ना टिकड़िया वगैरह घर च बनावे। तकरीबन 10 किलो मैदा पे है, 5 किलो है पे है, 5 किलो बेसन पे है, 5 किलो रवा पे है, ओदे और 5 किलो पे है, मैदा डबल डबल पे है जी जी। कोल जी मसाला भी जान बना ली, मैं चक लेना आलू, तो आलू जो कटना आ गया चिप्स जी तैयार करने आ गए। इतने जो ना सारा सैटअप होगा सारिया चीज़ों का, उधरों कुछ तो मेरे भैन भाई सोच रहे होंगे आसन कल कह रहे से असी रातों रात फटे तैयार करवा लेने नहीं गए अपनी शॉप वास्ते, लेकिन हाली तक बनवाए नहीं गए या दिखाए नहीं गए। असल तो उमें उमें शीटा पी अंदर देखो, तो अंकल रात में नहीं आया आने तो ना ही हूँ आए नहीं गए, उन्होंने कितने काम लिया होगा कट्ठा तो वह कर रहे हैं। अबू जान कह रहे थे कि पता अज रात को आ जावन, रात ना ही आए ना सुबह तो लाजमी आ जावे, सुबह आके फिर जो सानू इतने घर जी तैयार कर देवे फट्टे इस तरह के बड़े VIP ने गे, इन्हें थले बस ना वो लकड़ी जी लाई हो तो फिर खराब नहीं होंगे ने। इंशाल्लाह ताला अन करीब जरा ना असी फर्श ही बनवा लेना, जिमें सैलरी आती ना हर हालत सैलरी तो बनवाना ही बनवाना है, तो उस तो पहले अगर किधरों पैसों का अरेंज हो गया तो इंशाल्लाह ताला पहले ही बनवा लवेंगे। सारा जेड़ा ना गंद कचरा जेड़ा निकल जाएगा, जेड़िया उच्चिया नीवियाँ जेड़िया ना समझ लो कल का दिन जेड़ा ना इन्हें तो पैदल चलिया आ गया, तो मेरी एक तो जुत्ती टुट गई सी, जुत्ती तो हट के पैर जेड़े थलों इंज लगता सी सूईया चुभ रही ने रात टाइम, तो फिर जुत्ती जी आएगी जी अपन जी जुत्तियाँ लाया सके इन्हें चु एक मैं कड़ ली इस डिजाइन चेक करो जी। हाँ ये तो फायदा हो गया, जितनी आप जुतिया सेल की जी बचत आई है चसन जुत्ती रख लीजिए एक जी जी जी। चलो जुत्ती टुटी आएगी तो मैंने शर्म जाके लैनी पैनी सी, तो मिलनी 1000 रुपए की आएगी, चाचू याद आ रहा कोई पहले ली सी 800 रुपए की मिली सी जे पहले जुत्ती आएगी ऐसे नाल दी सी सेम टू सेम। चलो ये घर दी जुतियां नहीं है तो एक फायदा हो गया ना कि जुत्ती जिवें टुटी आएगी फौरन नवी चक। तो देखो ये आज गर्मी कितनी ज़्यादा हैगी, अगे क्लीयरली इन चीज़ों का नज़र नहीं आती सी गर्मी की वजह तो, रोशनी ज़्यादा है ना तो नज़र आ रही है नहीं है। तो
वैसे आसमान देखो कितना प्यारा माशाल्लाह ब्यूटीफुल। ते बस चलने अपने काम लगीए, काम जिहड़ा करके ते उस तो बाद इंशाल्लाह ताला अज तुहाडे नाल अपनी इफ्तारी दी रूटीन शेयर करांगे, क्योंकि अज असीं इफ्तारी च बनाना हैगा जी बकरे दा गोश्त। बाद दन दसने आया कितों हैगा। ते आलू ही दो के लैके मैं आ गया, इत्थे खलो के ना चिप्स वास्ते आलू कटने आ गए। इतने ही जेना पकौड़े वास्ते आलू कटांगे, इतने ही चिप्स वास्ते तकरीबन 1.5 किलो नेगी इंदी काफ़ी चिप्स बन जानियां, भरी जानियां परात। ते इत्थे कुर्सी चक के लै मैं इत्थे बह जाना, एक तो ठंडी हवा लग रही हैगी, तो इत्थे बह के ना चिप्स वास्ते आलू कटना आ गया। लो जी इत्थे ठंडी हवा लग रही, सुकून ना बह के ना पहले जिहड़ा हैगा चिप्स ते आलू कट लैने, उस तो बाद पकौड़िया दे खा लवांगे। सामने सारा खुला एरिया हैगा, तो उदो ना ठंडी हवा आ रही हैगी, पानी भी थले छिड़के होया ना इस वजह तो, ते सुकून ना बह के इत्थे काम करना आ गया। चिप्स के भी आलू कटे गए, नाल पकौड़िया का मसाला तैयार पिया है। बस हूँ फिर ना मैं तेन मिक्स वगैरह करके तलाई करनी शुरू करने हैं चिप्स पकौड़िया की, तमी जान जड़िया ने हाल ही हूँ ना समोसिया की बराई शुरू कर लगिया ने, समोसिया बना रही हूँ। हाँ समोसिया वाले जो ने गे ओके हो गए, समोसिया तो नहीं है समोसे ही ने, माशाला मसाला भी काफ़ी भरिया जा रहा है, कर दया ने बड़िया वी आई पी बन गई। चलो इना तकरीबन समझ लो सानू अच्छी खासी बचत आ जानी, इतनी इतनी सेल डेली आंदी रहन ते हालांकि अज ये नहीं सेल हुई होर भी काफी हुई, असीं इकट्ठी करके रखी है ना सारी चीजा सेल इकट्ठा जाके समान ले आवांगे जी, उन्हें ईद आ रही ना अम्मी जान आप, बल्कि मैं तो कहना सुबह परसों निकलिए चल के ना इना समान ले आई फिर। हाँ बाकी फ्राका च डिजाइन पे ने विक जावे, चलो वा बंडल एक लै आने आगे सूटा का, सूटा सूट सी मैं फ्राका बनी हुई सी, फ्राका जी सी फ्राका टाइप ब्लैक कलर दिखावा जो लैके आए। बाकी मैं हूँ फिर अपना काम करना आ गया, काम जिहड़ा ना अज थोड़ा लेट ही होया खड़ा हैगा, लेकिन कोई नहीं अफ्तार च फिर भी काफ़ी टाइम पे हैगा, सारा कुछ जो है ना हमने रेडी हो जाना है। हाँ की लेना है कि है 250 का हेरा आंदे बंदा दिते ने दसा का नहीं आता वो है। बड़े मेरे भैन भाइयों नोट किया होना है कि जिहड़ियां पेड़ियां अम्मी जान ने बना के रखी ने ना रंग पीला पीला क्यों है, असल तो इन्हें पाया हुआ है घी, घी की वजह तो ना इस तरह पीला पीला रंग हैगा जिहड़ा कल तलाई लू बचिया सीगा, इस तरह पापड़िया च जायका आवेगा मसाले आंदा सी देखिया जी। बाकी अम्मी जान नाले तो कितना अंदाजा नहीं है लेकिन हाँ तजर्बा नहीं है इनका एक करी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता अम्मी जान वाल है, अम्मी जान पानी नाल चिपक जाते होंगे, पानी जो ना भर के रख लो उंगल ला के चिपका दता, यह मैदे की जरूरत नहीं, मैदा ही अम्मी जान ने तेरे ला के रखे। चलो कोई ना स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बस जोड़ दो इस तरह ओके तैयार हो गया, समोसा तैयार हो गया, अभी तक वे समोसे अम्मी जान ने हम बनाने, चलो तुम अम्मी जान ने बनाओ तो मैं जाना बाहर सिलेंडर वगैरह कढ़ना आ गया, इतना अपना पूरा सैटअप वगैरह करके चिप्स से पकौड़े की तलाई तो शुरू करिए। बाकी इतने बाहर चूल्हा ही लैके आ गया, कढ़ाई में चक के लैके आ गया, गलत याद करें फिर जाना काम शुरू करिए।
थले चला घी भी ऐड कर दें। अपना घी भी गर्म हो गया है, चलो समोसे ही डाल लें आगे, क्योंकि अभी तक ना कुछ चिंता मसाला बनाया तो ना ही कुछ पकौड़े आगे। अगर घी गर्म हो गया गर्म बनाना है उतने टाइम तक अचानक ही गर्म हो गया क्योंकि नवा नवा समोसा बनाया बाकी रहे समोसे हम जान रहे थे क्योंकि जाती चीज जाती जायके का ही काफ़ी डिफरेंट होना मोटे मोटे बन रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर पसंद ही बने आएंगे इंशाल्लाह। चेक करो जी समोसे कैसे बन रहे हैं माशाल्लाह। तकरीबन सैकेंड टाइम असं बना रहे हैं, पहले ना उधर जो सा शॉप उत्थे होंगे सी उदो असी घर दे जिहड़े ना समोसे बनाए सी या असी इस शॉप ते इत्थे आ फस्ट टाइम बना रहे हैं इस शॉप जाके ते बड़े जबरदस्त बने ने गे ते लाइफ विच ही सैकेंड टाइम ही बना रहे हैं। पहले उत्थे बनाए सीगे ते हुण जो इस शॉप विच आए हैं फिर सैकेंड टाइम इत्थे बना रहे हैं, लेकिन बड़े जबरदस्त बन रहे ने। काफी देर हो गया मैं बनाया कोई नहीं, मैं नहीं पता नहीं मेरे को बन गए या नहीं बन गए, इस वास्ते थोड़ा जा ना मैं नहीं भी बने बना ही ला लिये माशाला चिप्स देखो कितनी जबरदस्त तलाई हो रही है जी। कोल जी पकौड़े ना मसाला बना लें क्योंकि तीन जी चीजा ले लेना एक एक खूह जो तलाई कर रखी पहले अगर कोई गाहक आ जाता उन्होंने चीजा पहले सेल कर सकी ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਮੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਮੱਠਾ ਸੇ ਵੇ ਜਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੋਣ ਦਾ पकौड़े पूर कर लिया गोल अपने वे समोसे भी आए पे नहीं इन्हें तलाई कर लें बाकी देखो चपने वाले समोसे जड़े ने बड़ी जबरदस्त तलाई होगी देखो जी चेक करो माशाल्लाह जेड़े ने उन्हें नाले ही कर लें वो 20 रुपए का ये 40 रुपए का।
समोसे जी इतने पहली बार तलाई की फिर भी ना माशाला अच्छी खासी इन्हें सेल हो रही नाल चिप्स वगैरह ही सेल होंगी आ रही पकौड़े भी इन्हें सेल इधर पई हैगी मेरा गला यही होंगे है इस जगह से आज हूँ जी पकौड़े तलाई करके उस बाद चिप्स रेडी करने उतने टाइम तक कमी जान और समोसे लिया देनिया ने समोसे इकट्ठे तलाई करके रखने क्योंकि सेल काफ़ी होने सुबह लो इन्हें नाल चटनी बनाई करा बाकी मैं चिप्स की तलाई करन लगे सी अम्मी जान और समोसे लैके आ गए सी माशाल्लाह इन्हां दी तलाई हो गई देखो कितनी जबरदस्त चलो जी बाकी अज फिर ना अफतारी रूटीन तुहाडे नाल नहीं शेयर कर पाया हालांकि अज असी पकाना सीगा बकरे का गोश्त लेकिन हाली हुणी मैं तलाई करके हटे हाँ सारी चीज़ां जी तलाई कर ली हैगी साडा दिल सीगा कि बकरे का गोश्त हैगा इहदे ते ना सिलेंडर ते जल्दी गल जाएगा जी जी बकरे का गोश्त आया कितों है अंकल सफदर होना ने बकरा सारे महलेदार ने ना तकसीम किया फिर सानू ही आके दे गए तकरीबन डेढ़ एक पाह आ गया तो यह है कौनते बेच ना चावल वगैरह जिस तरह के मुकम्मल तुहाडे रूटीन शेयर करदा इंशाअल्लाह ताला एवें तो साडी अफतारी रूटीन एवें जा रही है कि जिवें रोज़ा अफतार हुंदा जिहड़ी चीज़ कोल पई उहदे ने रोज़ा अफतार कर लैंदे आ इन्हां नूं वेखदे वेखदे मैं सोचा सी तुहाडे नाल ना अफतारी रूटीन अलग शेयर करांगे ते बाकी जिहड़ी तलाई वगैरह हैगी मैं टाइमो टाइम कर लवांगा लेकिन इहदे ते काफ़ी टाइम लग गया और जिवें तलदा गया हैगा सारी चीज़ां जी इन्हां सेल होंदियां गईआं ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਅਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਦਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਪਕਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ छोटी अम्मी जान दस रहे थे तकरीबन 1600 रुपए उन्होंने बने हाँ ब्लैक कलर अच्छा अच्छा डिजाइन तुम्हें सुबह तक दिखाऊंगा ओके बाकी आज ना समोसे बड़े वीआईपी बने ने मैं वो अफतारी चेक किए ना है मज़ा ही आ गया ना ज़्यादा मिर्चा तो ना ही ज़्यादा नमक हैगा नॉर्मल नॉर्मल ही हैगा हालांकि किसी ने कोई चख्या नहीं बनावन लग्या क्योंकि आईचा ने भी रोज़ा सीगा अम्मी जान ने रोज़ा सी मैनू ही रोज़ा सीगा ते अबू जान की तबीयत खराब होंदा तुहानू पता अबू जान आए रोज़ा नहीं रख पाए लेकिन बड़े वीआईपी देखो विचों मसाले ना भरे हुए ने गे बड़ा वीआईपी समोसा बनया उतो ना जब घी पाया सी ना अम्मी जान ने मैदे ते उनकी वजह से क्रैसपी क्रैसपी मुरकने मुरकने बने ने गे बड़े वीआईपी समोसे तो उंज फिर यह समान जहाँ कुंजन लगे आगे डब्बिया के बच्चे नूर जी नूर जी ये चीज़ा पसंद नहीं गई नूर वही चक के ना भी डब्बे से पाई जा रही पैक की हाँ चूज करेगी जी चीज़ पसंद है वही चक रखेगी जी जी साड़ी छोटी जी चिड़ी जी हैगी नूर हाँ देखो कट के वापस क्यों रखी है कल भी करांदी नहीं इस टाइम आज फिर लगी काम करा रही है ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਸ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੰਡ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੋੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਬ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸਲ 'ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਾਏ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਗਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ
ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਨਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਦਵਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ 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 ਬੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦੇਖੋ ਆ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਹਿਣੀਆਂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਾਰ ਬਣ ਜਾਵਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਲ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਨਾਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਲ ਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਕੇ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਅਨਾਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਡੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਹੀ ਵਾਸਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹਾ ਅਨਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ VIP ਸੈਟਅਪ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਛਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਛਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਅੱਛਾ 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 ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਚੱਪਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਚੱਪਲ ਲਾਉਣੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੀਗੇ ਅਮੀ ਜਾਣੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਚੱਪਲ ਉਹ ਲਵਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਅਮੀ ਜਾਣੀ ਸੇਲ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਬਾਕੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਮੀ ਜਾਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਂ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ 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 ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪੜਾ ਦਾ ਪੈਕਟ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੋ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਚੋਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਦਿਨ ਚੋਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 200 ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ 150 ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ 100 ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਚਤ ਜਾਨੀ ਮੋੜੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਹਾਂਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਪਈ ਅਗਰ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੂਮ ਧਣੀਆਂ ਪਾਲਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬੁੱਬਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਆਵਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾ ਹਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਅੰਮੀ ਜਾਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਫੱਟੇ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੱਟੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਡੱਬੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਚੂੜੀਆਂ ਡੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਗਲ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਡੱਬੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਸਾਰੇ ਬੈਣਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇ।
थले बल्कि सुबह ही जोड़ांगा। हाँ बाकी बाहर साडे गाहक आ गए सीगे ते फिर दरवाजा वगैरह खोल के उन्होंने समान दिता है। उदो ब्लॉग जरा जिन्ना ही है जिस तरह ही है सी मैनेज करो सुबह इंशाल्लाह ताला मज़ेदार ब्लॉग आएगा। तो कल दे दिन ने मैं पता है ताडे ने यही जिन्ना रूटीन शेयर की सी अज फिर वही रूटीन शेयर की हैगी। लेकिन कोई नहीं इंशाल्लाह ताला सुबह जो डिफरेंट होएगा ताडे ना और भी काफ़ी जिन्ना काम वगैरह शेयर करने नहीं है। ठीक है अपना यहाँ ब्लॉग इतने खत्म होंगे तुम्हें अच्छा लगे लाजमी अपने चैनल सबसक्राइब कर लेना वीडियो लाइक कर लेना कि दोस्तों रिश्तेदारों शेयर भी कर लेना। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।